हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप फेमस विद मी। आज हम बात करेंगे टॉप 10 वीज़ा फ्री कंट्रीज फॉर इंडियंस, यानी कि ऐसे देश जहां बिना वीज़ा अप्लाई किए हम जा सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, 57 ऐसी कंट्रीज हैं इंडियंस यानी कि भारतीय बिना वीज़ा अप्लाई किए जा सकते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। फर्स्ट कंट्री जहां इंडियंस विदाउट वीज़ा अप्लाई किए जा सकते हैं वो है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया कंट्री में आप 90 डेज तक रह सकते हैं बिना वीज़ा अप्लाई किए। ये एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और इसे यूरोप का बैक गार्डन भी कहते हैं। सेकेंड कंट्री है भूटान। यहाँ आप 14 डेज के लिए बिना वीज़ा अप्लाई किए रह सकते हैं। यहाँ आकर आप ट्रैकिंग हाइकिंग कर सकते हैं। भूटान में बौद्ध धर्म बहुत ही फेमस रिलीजन है। थर्ड कंट्री है नेपाल। नेपाल इंडिया की नेबर कंट्री है। यहाँ आकर आप जिप फ्लाइंग, ट्रैकिंग, स्काई डाइविंग एंड बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। आप नेपाल की खूबसूरत वादियों का एंजॉय ले सकते हैं और नेपाल में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमारी फोर्थ कंट्री है ओमान। आप ओमान में 14 डेज के लिए विदाउट वीज़ा अप्लाई किए रह सकते हैं। ओमान की फ्लाइट्स की टिकट आप चीप रेट में भी बुक कर सकते हैं। ये एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ आप वर्ल्ड फेमस मस्जिद, मदरसे एंड सी व्यू देख सकते हैं। हमारी फिफ्थ कंट्री है कतर। ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। यहाँ आप 30 डेज के लिए विदाउट वीज़ा अप्लाई किए रह सकते हैं। यहाँ आपको म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, कतारी म्यूज़ियम भी आप जा सकते हैं। यहाँ का सी साइड एंड बीचेस वर्ल्ड फेमस है। कतर की बिल्डिंग्स का व्यू, कतर के आप टिकट्स चीप रेट में ले सकते हैं। हमारी सिक्स्थ कंट्री है फिजी। इसे रिपब्लिक ऑफ फिजी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप 120 डेज के लिए विदाउट वीज़ा अप्लाई किए रह सकते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट के अट्रैक्शन का जो सेंटर है वो है सैंडी बीचेस एंड यहाँ के ब्यूटीफुल आइलैंड फॉर डाइविंग। सेवन्थ नंबर पे आता है मकाओ। मकाओ को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप 30 डेज यानी कि 1 मंथ के लिए एक वीज़ा फ्री पीरियड में रह सकते हैं। मकाओ की शॉपिंग, म्यूज़ियम, चर्च एंड टावर्स काफ़ी फेमस है। आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। हमारी एट्थ कंट्री है अल सल्वाडोर। यहाँ आप 90 डेज के लिए विदाउट वीज़ा अप्लाई किए रह सकते हैं। ये सबसे स्मॉल कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अल सल्वाडोर अपने कोस्टल बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। 9th नंबर पे आता है मॉरिशस। मॉरिशस में आप 90 डेज के पीरियड के लिए विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। यहाँ के आप इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का ब्यूटीफुल क्लाइमेट विद क्लियर वार्म सी वाटर एंड बीचेस आर वर्ल्ड फेमस। हमारी 10th कंट्री है बारबाडोस। बारबाडोस में आप 90 डेज के पीरियड के लिए विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। ये अपने बीचेस, लेक्स, वाटरफॉल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। बारबाडोस में आके आप वाटर डाइविंग, बोटिंग, यहाँ के ब्यूटीफुल नेचर का मजा आप ले सकते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में टोटल 103 कंट्रीज हैं। इसमें इंडिया का पासपोर्ट 80 नंबर पे आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।